नालागढ़ में भाजपा के अधिकांश कार्यकर्ता एकजुटता के साथ पूर्व विधायक के एल ठाकुर के साथ खड़े हैं। भाजपा के परिवार मिलन कार्यक्रम में हजारों लोग के एल के घर पहुंच गए। लोगों ने ठाकुर को भरोसा दिलाया कि वह उनके साथ खड़े हैं, चाहे भाजपा में दल बदलू शामिल होते रहे। के एल ठाकुर को 2022 के विधानसभा चुनाव में हर हालत में जिताएंगे। ठाकुर ने कहा कि एजेंडा इसका ऐसा था कि लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो गई थी, जो हाल की घटनाएं हुई, कई कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम भाजपा छोड़कर चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उनको लग रहा था पता नहीं जो हमारे आए हैं तो शायद टिकटों को दे दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आप सब भी जानते हैं, हम तो जानते हैं, कार्यकर्ता रोज 500-400 आते थे, अब कितने को समझाना था, कोई फ़ोन पर भी करते थे बात। तो इसलिए फिर हम चाहे कि पोस्ट डाली हमने के आज भाजपा परिवार मिलन सम्मेलन जो हम रखा घर में, जो सारे लोग आए, पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा रश हो जाएगा। तो अपने इसके लिए आए, अपने विषय के लिए, जनता के लिए नहीं आए, ना पार्टी के लिए आए हैं। तो आपने पार्टी उसमें कार्यकर्म में बोला है कि वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहते हैं कुछ नहीं, उसको तो हम एकदम ना लेंगे, टिकट तो हमें दे दिया हाईकमांड ने, लेटर दे दिया है, तो ऐसे टाइप का उसको तो हमको ईडी के छप्पे मरवा देंगे, खाना कर देंगे, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। जबकि उस लायक तो वो है अपने आप, उसका पूरा जो कुनबा है, उनके पूरे जो स्कूटर है, जो लूट रहे हैं दिन रात। तो आप चाहे माइनिंग के माध्यम से हो, चाहे नशे के माध्यम से हो, नशे के व्यापारी हैं बुरे सारे, नालाड़ के आगे ऐसा होता है, जिसकी लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। देश में इंडिया जैसे है, कार्यकर्ता जैसे जुड़े हुए वैसे जुड़े, कोई भाजपा छोड़ कर ना जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहले भाजपा गुट में राणा गुट और केएल गुट की समाप्त कोई गुट नहीं, सारे भाजपा में साथ हैं, सारी भाजपा इकट्ठी है, साथ है। वो तो वो लोग हैं साथ उधर जिन्होंने कभी भाजपा को वोट नहीं डाली है, चाहे वो पदाधिकारी क्यों ना हो। उनकी मेंबरशिप भी कई बार कैंसिल की थी एचएन के समय, उनको मेंबरशिप के लिए भी लालने पड़े थे, केंद्र तक जाना पड़ा था। वो लोग है, सारा वो कुनबा है, वो कभी भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।